हेलो 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 नमस्ते सर। नमस्ते जी, क्या हाल है? ठीक हूँ सर। एक तो मैं ये बोल रही थी, ये जो जितना मेरे को मतलब कल आराम लगा था ना, आज फिर से थोड़ा हल्का सा दर्द बढ़ा है। हाँ, ये तो होता ही है। होगा ये सर? और कुछ हल्का तो ऐसा होता है कि जब आपको कई देर काफी देर से मतलब कई महीनों से अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, दर्द होती है या हाँ कुछ हाँ डिस्कम्फर्ट होता है, तो जब आपको 50% आराम मिलता है ना, आपको लगता है 100% हो गया। हाँ 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 होता उतना ही है, पर क्योंकि वो इतने दिनों से हो रही होती है दिक्कत, तो एसिडिटी के जितने भी पेशेंट है ना, हर पेशेंट यही कहता है जी अगले दिन तो मैं पूरे 100% ठीक हो गया, फिर दोबारा से हो गया। तो मेरे अपना मानना यह है कि वो ठीक नहीं होते पूरे, वो अच्छा। आधा ही ठीक होते हैं, और बस लगता है फीलिंग वो आती है कि पूरे ठीक हो गए। तो इसमें नहीं टाइम सर, बलगम तो बढ़ा है थोड़ा सा बढ़ बलगम गया, मतलब। बढ़ गया हाँ ना। हाँ हाँ फिर से बढ़ हाँ, गया कोई मतलब। बात नहीं। वो आपने पानी कितना रखा है आज? आज तो वही तीसरे दिन वाला जितना आपने बोला है, 6 गिलास? गिलास। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ उसकी बिल्कुल। वजह से भी बढ़ गया होगा। आप 6 गिलास? नहीं सर, रात को ना मुझे 2 बजे के बाद से नींद ही नहीं आई, इतना ज्यादा मतलब नींद की प्रॉब्लम हो गई, कल दिल कितने? घबरा दो रहा गिलास था पिया था। पूरे दिन। हाँ 2 गिलास। अभी आज कितना मुंह सूख रहा है? आज तो काफी सूख रहा है, मन कर रहा है पी लूं, लेकिन अभी बताया था आपने कल खाना सही कितना से। चला था? कल में तो मैं सर वही 1 घंटा पे चली थी, किस समय? हर हर घंटे मतलब हर एक घंटे दो। में 5 मिनट? हाँ हाँ 5 मिनट वही। तो ये जब आपको प्यास ज्यादा लगती है ना, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा चल लिया करो, मतलब लगातार 3-4-5 बार चल लिया करो, 1 घंटा तक चल लिया करो, तो उससे प्यास खत्म हो जाती है। सर रात में इतना ज्यादा जी घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था बस जी निकल जाएगा अभी, ऐसा क्या मतलब तो बहुत कल रात को ज्यादा। फिर कितना पानी पिया? कुछ नहीं पिया सर मैंने, फिर भी मैंने कंट्रोल रखा। फिर सुबह 5-5:30 बजे के बीच नींद आई मेरे को तो। अच्छा, हाँ मेरे को लग रहा था पता नहीं कहीं गलत तो नहीं फंस गई। अभी तो फंस रहे हैं, अभी तो कहाँ फंसे हाँ वही सर, पता हो? नहीं क्योंकि मैं पहले भी भुगत चुकी हूँ ना, तो डर मन में रहता ही है सर। वो तो होता है। नहीं, जब भी प्यास ज्यादा तंग करे ना, तो वॉक एंड रेस्ट ज्यादा कर लिया करो। वॉक एंड रेस्ट का बेसिक थ्योरी क्या होता है कि हमारे शरीर का 90% पानी सेल में होता है, अच्छा। तो हमारा जब बैलेंस बिगड़ा होता है ना, तो ब्लड से पानी उधर जाता है और सेल से इधर कम होता है। तो जब आप वॉक एंड रेस्ट करते हो, तो 5 मिनट चलोगे ना, तो 5 मिनट चलने में आपके 5 कैलोरी खर्च होती है। जब आप अच्छा लेटे होते हो तो 1 कैलोरी खर्च होती है। तो जो 4 कैलोरी आती है वो कहाँ से आती है? तो वो जो 4 कैलोरी आने का जो सबसे आसान तरीका है ना, आप खा रहे हो ना कुछ और कर रहे हो, तो एनर्जी तो आएगी नहीं। तो जो सेल्स में पानी होता है वो सेल्स रिलीज कर देते हैं, तो वो पानी आपके ब्लड में आ जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो आप कंफर्टेबल फील करने लगते हो। हम तो ये समझते हैं ना कि जितना भागेंगे, भागने का तो अलग बात है, पर जितना आप चलोगे ना, अब चलने के बाद क्या होता है कि आपके सेल से जो पानी आना होता है वो एक लिमिट के बाद नहीं आ पाता, क्योंकि अगर अच्छा एक अच्छा लिमिट के बाद आ पाए तो फिर तो आदमी 2 दिन में मर जाएगा। तो उसके चेक हाँ एंड बैलेंसेज होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, समझ गए? तो उसमें क्या होता है कि जब आपने थोड़ा सा चल लिया, थोड़ा सा पानी सेल से आएगा, रिलीज होगा, उसके बाद फिर दोबारा बंद हो जाएगा। तो इतने में आपने फिर दोबारा रेस्ट कर लिया लेट के, तो लेटने से क्या होता है कि वो जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है, जो बंद हुआ होता है ना पानी आना, वो रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स होने की वजह से फिर 5 मिनट बाद उठ के तो दोबारा चलते हो, तो फिर पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये लगातार 4-5 बारी करते हो तो प्यास एकदम खत्म हो जाती है। बल्कि आज तो तीसरा दिन है, तीसरा दिन तो आपके मुंह में इतना पानी होना चाहिए था, कुछ नहीं आदमी नहीं सर, कुछ पानी नहीं मेरे मुंह में तो, नहीं, कल तो था। कल था आज नहीं है। हाँ हाँ, तो आज फिर वो आपने 1 घंटे में 5 मिनट चलने वाले ना, तो उसमें आपको जब भी इस तरीके की दिक्कत आ रही हो, तो उसके बाद चलना बढ़ा दो। और या फिर आपका सर। ये जो 3 गिलास पानी पीने वाला है ना, हाँ इसको कंटिन्यू करो थोड़ा सा। नहीं नहीं सर, वो तो मैं मर जाऊंगी फिर, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है मेरे को तो। ऐसा नहीं, से कहाँ मरने लगे आपको, इतना नहीं नहीं करो। सर, नहीं सर 3 गिलास पानी तो बहुत। अभी तो आपसे लंच खाना है, हाँ सर लंच तो खाना, वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी ठीक है आसानी से ना कहाँ मरने देंगे? सर। लंच तो तब खाओगे जब मैं जिंदा रहूंगी। यही तो कह रहा हूँ, इसी लंच के चक्कर में तो बचोगे। और सर एक प्रॉब्लम और थी जो भी, जिसके लिए मैं अनुलोम विलोम पूछ रही थी आपसे, वो तो मैंने आपको बताई नहीं थी अब तक। मैंने लेफ्ट शरीर का ना सारा हिस्सा 2-3 महीने हो गए, वो तो हल्का हल्का सा कांपता था लेफ्ट साइड से, क्या था? हल्का हल्का ना, जैसे शिवरिंग करते हैं ना कांपना जिसे बोलते हैं, ऐसे करता था कभी कभी हाथ पैर, कभी कभी मतलब रेयर। फिर ना मैंने अनुलोम विलोम शुरू कर दिया तो ठीक हो गए 2-3 दिन में वो, फिर से मतलब मेरा एकदम कवर हो गया था। लेकिन अब जब से आपने बोला ना, मैंने बंद कर दिया, रात तो इतना ज्यादा कांप रहा था सर कि पूछो मत, मैं घबरा गई कभी पैरालाइज ना हो जाए। फिर इसीलिए मैंने आज फिर शुरू किया तो थोड़ा आराम लग गया मेरे को। अभी आप मेरे को बताओ कि मैं अनुलोम अनुलोम विलोम। विलोम किया आज? हाँ हाँ किया तो अभी उसके बाद आराम है मेरे को बहुत, अगर मैं कर लूँ तो ठीक रहेगा 15-15 मिनट अगर।
सुबह शाम कर लूँ तो। देखो तो पहले तो आपको मैं बीच में बता रहा था, वो बीच में बात चेंज हो गई थी। अनुलोम विलोम में क्या होता है, अनुलोम विलोम नहीं तो ब्रीदिंग, यानी हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है ना कि हम कितनी सांस लेते हैं एक मिनट में, तो नॉर्मल होता है 14-15 बारी सांस लेना होता है। तो जब हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो वो 20-22-23-24 बार हो जाता है। तो जब आप हॉस्पिटल जाते हो ना किसी आईसीयू में, तो अगर आप उसका जो मॉनिटर लगे होते हैं उसका मरीज आदमी को चेक करने के लिए, तो उसमें एक रेस्पिरेटरी रेट का भी होता है। अच्छा, कि वो कितनी बार सांस ले रहा है एक मिनट में। तो जो लोगों का सांस तेज हो चुका होता है, जो मतलब एक मिनट में 22-23 बार सांस ले रहे होते हैं, वो सीरियस हो चुके होते हैं। और जब उनकी सांस 18 से नीचे आ जाती है तो वो थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं। तो ये जो कंट्रोल होता है ये सारा आपके पानी के लेवल के ऊपर होता है। अच्छा, अब आपके शरीर में मान लो पानी ज्यादा है, अब जैसे आप अनुलोम विलोम ही बात करते हैं, आप कितने साल से कर रहे हो? नहीं सर, कितने भी साल से नहीं कर रही, मैं तो अभी मतलब कि मैंने 3 दिन किया था अभी जस्ट। मेरे को किसी ने बताया कि भाई अनुलोम विलोम करने से ये जो मतलब पैरालाइज के लक्षण है ना वो खत्म हो जाते हैं, तो मेरे को सच में रिलीफ मिल गया सर। फिर आपने बोला तो मैंने मना कर दिया, मैंने बंद कर दिया। जिस दिन आपने वॉक एंड रेस्ट किया था उस दिन तो ठीक था ना? नहीं सर, मैं बता रही ना कल रात इतना ज्यादा हो गया। कल हुआ ना, कल आपने वॉक एंड रेस्ट कम हुआ ना थोड़ा सा? नहीं सर, कम नहीं था, मैं बता रही ना कम नहीं था वॉक एंड रेस्ट मेरा। 15 बारी हो गया था आराम से सर, असल तो मैं सारा दिन वॉक एंड रेस्ट किया था। नहीं, ज्यादा कर लिया था या मतलब 15-16 बार किया था? 15-16 बार पूरे दिन में, ज्यादा सर 1 घंटे ज्यादा प्यास थी ना कल, तो जैसे 2 गिलास पानी था बोला था आपने, तो मैं बार बार कर रही थी वो कंडेस्ट, ये भी थी। तो अगर अनुलोम विलोम कर लो तो इसमें कुछ साथ में दिक्कत आ जाएगी क्या इसमें? हाँ, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम में क्या होता है कि आप डीप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं ना। हाँ हाँ, तो सांस छोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसमें जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक होती है। तो जब आप उसको थोड़ा बहुत करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो अगर आपके कोई टेंशन बिल्डअप होता है तो रिलीज हो जाता है। परंतु आपका जो नेचुरल कितनी बार आप सांस लोगे वो डिपेंड करता है कि आपके शरीर में पानी कितना है। अब आपके शरीर में पानी हो ज्यादा और आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो ठीक कर लोगे, बाकी जगह नुकसान होता रहेगा। अच्छा अच्छा। अब जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने कभी अनुलोम विलोम या कपालभाति वगैरह कुछ नहीं किया। अब बाबा रामदेव बोलता है जी मैं इसको करता हूँ और इस वजह से मैं 2.5 मिनट सांस रोक लेता हूँ। तो अभी उसका जब कोरोना के चक्कर में ना 3-4 महीने पहले उसका एक इंटरव्यू आ रहा था किसी चैनल पर, तो उसने उसमें उसको पूछा ना कि तुम कितनी रोक लेते हो, मतलब जो इंटरव्यू वाला था चैनल वाला, तो कहता 2.5 मिनट। तो मैंने कहा देखते हैं यार, ये 2.5 मिनट रोकता है, हमारा हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जो सिस्टम है वो परफेक्ट है, वो नेचुरल है एकदम। जिस समय आप डिहाइड्रेट करते हो ना, आप अपने आप से नोट करो कि आपकी सांस जो है ना वो अपने आप से डीप हो जाती है, ठीक है? तो मैंने उसके बाद करके देखा, मैं 2 मिनट 35 सेकंड तक पहुंच गया। अब मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, कुछ नहीं की थी, मैंने ये एक बार नहीं किया, 3-4 बार किया, और मैंने उसका एक वीडियो बनाकर भी डाला हुआ है यूट्यूब पर ही। तो बेसिकली ये जो अनुलोम विलोम है ये नेचुरल तरीके से जब आप डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन करते हो ना, तो ये अपने आप से हो जाता है एक तरीके से। डीप ब्रीदिंग, आप पूरा दिन डीप ब्रीदिंग रहती है, जिस दिन आपने पानी कम पियोगे ना तो सांस गहरी हो जाती है। अच्छा। और जिस दिन ज्यादा पानी पियोगे ना, जब 10-12 बार ज्यादा पानी पियोगे तो देखो ना जल्दी जल्दी से सांस आने लगी, आप सांस रोकने की कोशिश करोगे तो उतनी देर नहीं रोक पाओगे। तो सर मैं ये पूछ रही, इतनी ज्यादा शिवरिंग और इतनी ज्यादा घबराहट क्यों हो रही थी रात में? बेसिक प्रॉब्लम तो वही है कि आपका कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल कम हो रहा है। जैसे आपने 2-3 दिन से वॉक एंड रेस्ट चालू किया, तो हो सकता है कि आपने जैसे बताया परसों बता रहे थे कि मैं मतलब लगातार ही 1-1 घंटा करते लगातार ही किया, पूरा दिन ही किया, तो उसे आपने अगर एक्सर्शन ज्यादा कर ली तो आपके वाइटल ऑर्गन्स का एलोकेशन कम हो जाता है, आपके शरीर की एनर्जी उतनी ही होती है। आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज पर भी ज्यादा एनर्जी खर्च कर दोगे तो उससे भी आपके वाइटल ऑर्गन्स की एनर्जी की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको। तो अगर फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा हो तो पानी थोड़ा बहुत ज्यादा पी लूं? नहीं, आप करो नहीं ना, ज्यादा करने की क्या जरूरत है आपको? आपने कौन से वेट लिफ्टिंग करनी है, कुछ करना है? नहीं नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज वही है, घर का काम में तो ऊपर नीचे चलना चढ़ना है, तो नहीं होता है। जो वॉक एंड रेस्ट वगैरह होता है ना उसको उतना मत करो, उसको मतलब आपका घर का काम भी है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा कम कर लो, 10-12 बार कर लो। वो तो मैं घंटे में जस्ट एक बार ही कर रही हूँ, पर सर प्यास ज्यादा लग रही है, जीभ ज्यादा घबरा रहा है, ये तो हो रहा है मेरे। अब क्या हो रहा है, अभी भी हो रहा है क्या? हाँ अभी भी हो रहा है सर, अभी रात होने शुरू हुई है फिर होने लग गया है। सही। कितनी बार वॉक एंड रेस्ट किया है? मैंने आज वैसे तो काफी बार हो गया मेरा, 8-10 बार तो हो गया अब तक। चाय पी लो, बात खत्म करो। चाय पी लो? चाय पीते हो? नहीं नहीं सर, चाय नहीं पी, कभी नहीं पीना, काफी दिनों से छोड़ रखी सर। हाँ तो पी लो, चाय पी लो अच्छे से, बड़ा सा कप बना के। और उसको बनाने का तरीका ये है कि पानी डालो, उसमें 2-3 चम्मच दूध डालो, ज्यादा मत डालना।
दो तीन चम्मच दूध। हाँ तो उससे मतलब जैसे बाजार में बनती वैसी बनेगी, तीन चम्मच काफी होते हैं, दो नहीं तीन डाल ना। एक कप दूध वैसे ना डाल लूं घर का? ना ना बिल्कुल नहीं, दूध तो पीना नहीं ना। अच्छा तो आपको पानी लो एक कप, उसमें तीन चम्मच डालो दूध और उसको उबाल लो। सर वैसा वाला दूध तो है नहीं, अब घर का ही दूध है। कोई सा हो, हाँ घर का तीन चम्मच कोई सा भी हो। ये चम्मच में कैसे कैसे डलेगा सर? ये तो लिक्विड फॉर्म में है ना, चम्मच में दूध नहीं आएगा। अरे भाई चम्मच तो कितनी सी होती है सर, उससे क्या चाय बनेगी फिर? क्यों एक कप ही तो बनानी है। अच्छा अच्छा हाँ, मतलब आधा कप दूध ले लूं। अरे बाप रे बाप, तीन चम्मच कभी देखे नहीं आपने? 5 ml का एक चम्मच होता है, घी भी तो चम्मच से डालते हैं, ऐसे पलट लेते हो। फिर उसे पीने में तो सर कोई टेस्ट है? नहीं है फिर तो है? मैं वैसे ही ना बना के पी लूं बिना दूध की सर। वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो टेस्ट अच्छा हो जाता है थोड़ा सा, अगर तीन चम्मच भी डाल लेते हो ना तो टेस्ट ठीक हो जाता है। अच्छा दिन में एक दो बार इसे ले सकते हो चाय को? देखो चाय का काम होता है इन्फ्लेमेशन को कम करना, होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से दिक्कतें हो रही हैं जो भी हो रहा है आपको। आप दो अगर आप पहले नहीं लेते रहे हो काफी टाइम, मतलब बहुत कम लिया आपने अपनी लाइफ में पिछले एक साल में, तो दो तीन दिन के लिए लगातार ले लो, उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, आपको जो शिवरिंग व्यूरिंग हो रही है खत्म हो जाएगी। और चीनी कितना डालते हो? थोड़ी डालती हूँ चीनी तो मैं सर, पहले से काफी दिन से छोड़ी रखी मैंने चीनी, अब दोबारा लेना शुरू किया जब से आपको। तो कितनी चीनी लेनी शुरू की है, दिन में कितनी चम्मच हो जाता है? बस आज तो कुछ नहीं ली, आज तो पूरा दिन कुछ नहीं ली। हाँ शिवरिंग का एक कारण ये भी होता है शुगर की कमी, तो चीनी खाओ 3-4 चम्मच के लिए। अच्छा हाँ किसी भी तरीके से लो, वैसे चीनी चम्मच भर के खानी हो वैसे खा लो, नहीं तो चाय में डाल के ले लो 1-2 चम्मच। तो मेरे को यही नहीं समझ आ रहा जब अनुलोम विलोम करते तो कैसे आराम लग जाता है सर इसमें तुरंत ही? अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, आपका पीएच लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, आराम मिल जाता है, आपके एनर्जी लेवल का होता है वो। तो वही तो मैं कह रही हूँ, अगर मैं साथ साथ थोड़ा बहुत कर लूँ तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना। देखो आप किसी चीज को किसी चीज से, बार बार मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि वो आपका नेचुरल तरीका नहीं है, आप किसी चीज को किसी चीज से छुपाओगे। जैसे मैं आपके बालों का बता रहा था कि सर से तेल निकलता है, आपने सर तेल के ऊपर तेल लगा दिया, हर दुनिया कहती ना तेल लगाना चाहिए, तो आपने तेल लगा दिया, तेल लगाने से तेल निकलेगा नहीं, और अगर तेल नहीं निकलेगा तो जमा होता रहेगा, वो डैंड्रफ हो जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे, व्हाइट होने लगेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम आपका ब्रीदिंग का नहीं है, एनर्जी अगर शिवरिंग होती है, शिवरिंग का मेन रीजन होता है एनर्जी की कमी होना। और जैसे हमारे बच्चे हमारे छोटे थे तो वो भी कई बार सुबह उठते ही कम कभी हो रही होती थी, तो धीरे धीरे लेफ्ट साइड में हो रही है, लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट हाँ, तो लेफ्ट ब्रेन में जो कंट्रोल हो रहा होगा, ब्रेन में कमी हो रही होगी, उसकी चीनी खाओ 1-2 चम्मच ठीक हो जाओगे, 10-5 मिनट लगते हैं ठीक हो जाता है। ठीक है सर मैं देखती हूँ चीनी खाओगे। चीनी खाने से वैसे भी आपको वेट तो बढ़ा नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है, फिर चीनी खा लो। नहीं सर चीनी तो मैं खा लूंगी, खा तो मैं कुछ भी लूंगी, वो तो दिक्कत नहीं है मेरे को। आपने ये भी तो बोला ना बीच में कुछ खाना नहीं है, ये नहीं वो नहीं, चीनी का चल जाएगा, बीच में ले सकते हो चीनी का, चीनी चाय चल जाएगी। चाय इसलिए भी कह रहा हूँ ना कि इस सब वजहों से ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि आपके जो खाना खाते हो ना वो खाना खाने में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी अब्सॉर्ब नहीं होते, एनर्जी नहीं ज्यादा बनती, तो दोनों को बैलेंस करना होता है, ज्यादा इन्फ्लेमेशन भी बुरी होती है और कम इन्फ्लेमेशन भी बुरी होती है। तो अगर आपने काफी दिन से नहीं पी तो 2-3 दिन या हफ्ता भर पी तो छोड़ देना दोबारा से, मैं किसी को भी ये नहीं कहता चाय पीना चाहिए, पर जब कभी सिम्टम आते हैं ना इससे के जो अनएक्सप्लेन्ड से होते हैं तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ही होती है, जो कि किसी टेस्ट में नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी। आप चाय पियोगे अभी आधे घंटे में आपको आराम मिल जाएगा। सर मैंने एक चीज और देखी थी आपकी, आपने एक शेड्यूल और भेज रखा था, मतलब किसी और को वो तो अलग था और मेरा वाला अलग है, ऐसा क्यों सर? ऐसा मतलब... है कि जो जैसा भी होता है ना फीडबैक होता है उसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहते हैं मौसम के हिसाब से भी, गर्मी के हिसाब से भी। अच्छा अच्छा, बीच में 31 दिन का भी बनाया था अलग अलग, वो चेंज होता रहता है, पर अदरवाइज भी तो फीडबैक होता है उसी के बेसिस पे होता है, 4 जने चाहे 6 जने कुछ फीडबैक देंगे तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। रात को मैं इतना ज्यादा डर गई थी सर, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था मेरे को, पता नहीं क्या होगा। नहीं वो शिवरिंग तो शुगर की कमी की वजह से हो जाती है सर। आज के बाद में मेरे को 2 दिन ग्लास पानी वाला मत देना, दिन में 2 ग्लास पानी नहीं, ये बहुत मुश्किल है सर। अरे बहुत आसान है ये, बहुत काम की चीज है, दिन में 2 ग्लास भी। अगर आपको प्यास लग रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस टूटा हुआ है, थोड़ा सा वॉक एंड रेस्ट कर लो ठीक हो जाएगा, और जब कभी दिक्कत हो तो फोन कर लिया करो। जी सर, थैंक यू सर।